ये क्या लेकर आ रहे हैं? अभी तो मस्त दिख रहा है, सिंपल सा बोलेरो, लेकिन हमें लग रहा है आज काट देंगे भाई लोग। फिर ये जो रोड के बगल में था विंटेज कार, उसको भी अंदर कर लिया गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। नहा के फर्स्ट क्लास रेडी हो गए, जहाँ अपनी विंटेज कार बन रही है वहां पर जाने के लिए। और आपको हम डेली कंपनी में विंटेज कार ही दिखा रहे हैं। आज देखते हैं भाई कंपनी में आपको कौन सा नया विंटेज कार दिखा दे, क्या दिखा दे। फिलहाल मुझे भी पता नहीं है यार, डेली डेली विंटेज कार ही हम दिखा रहे हैं, क्योंकि डेली कंपनी में काम रहता है ना। अपनी विंटेज कार बन रही है तो वहां पर देखना जरूरी है। तो चलो देखते हैं भाई आज कौन सा मॉडल हम आपको दिखाते हैं गाइस। विंटेज कार पहनिए कपड़ा उपड़ा, चला जाएगा ना, अभी बहुत टाइम है, अभी 8 बज रहा है ना। रेडी होंगे तभी तो आराम से हम लोग निकलेंगे यहाँ से। रेडी हूँ, बस कपड़ा पहनना है। कपड़ा कहाँ पहने आप, देखिए टॉवल में बैठे हुए हैं। तो ही कपड़ा पहनना बाकी बस रह गया है। फटाफट कपड़े पहनिए, चला जाए कंपनी में भाई साहब, क्योंकि आज 15वां दिन है यार। बोर हो गए गाइस, अब यहाँ रहते रहते हम सोच रहे ना फटाफट अपनी विंटेज कार बन जाए, हरियाणा से लेकर निकल जाए अपने घर के लिए। हम अपने घर के लिए नहीं निकलेंगे फिलहाल, ये अपने घर के लिए लेकर निकलेंगे विंटेज कार। हम तो इनके घर से अपने घर चले जाएंगे, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अभी तो भाई हरियाणा में ही है, और विंटेज कार भी कितने दिन में बन के रेडी होगा अभी अंदाजा नहीं है। ब्रेकफास्ट करने चलें जाओ कर लो, मैं निकलूंगा, मैं चाय पीऊंगा आज। यार, मुझे भी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करा, लेकिन जाना पड़ेगा। और हम आपको कहाँ मिले, रूम में आए कि नीचे मिले? ठीक नहीं, नीचे गेट पर मिलो। है, अकेले खाना खाने जा रहे हैं भाई। लेट से आ रहे हैं आप, हम आपसे पहले आ गए। गाइस मौसम का कोई भरोसा नहीं है, मौसम सही भी हो सकता है, मौसम खराब भी हो सकता है, लेकिन आज मौसम मस्त हो गया। फिलहाल धूप शानदार निकला है, तेज निकला हुआ है। तो फिलहाल अब चलते हैं भाई यहाँ से अपनी विंटेज कार के पास। आप देख सकते हैं भाई सन बहुत तेज निकला हुआ है, और आप मौसम देख सकते हैं बहुत शानदार है, धूप काफी तेज निकली हुई है, लोग लगातार आ रहे जा रहे भाई मेन रोड पे। गाइस कंपनी में इतना पहले हम लोग आ गए भाई, और अभी भी गेट भी नहीं खुला यार, दोनों गेट बंद है। ये भी बंद है, वो भी बंद है। चलो आज हम दिखाते हैं गाइस। एक और बुलोरो आ गया है, वो भी शायद विंटेज कार ही बनेगा, वो हमारे सामने है। गेट बंद है लेकिन चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं खोलेंगे भाई। और चलो यहाँ से हम आराम से अंदर आ गए। ये आ गए गाइस बुलेरो, चलो इसके अंदर देखते हैं भाई। अरे ये दरवाजा नहीं खुल रहा, और आगे की ग्लास देखो निकाल ली गई है, और इसके अंदर पता नहीं इंजन है कि नहीं है। लाल इसके अंदर देखो सब वैसे ही है, पीछे की सीट निकाल ली गई है। और चलो भाई हम आपको डायरेक्ट अंदर लेकर चलते हैं गाइस, देखते हैं कोई नया मॉडल विंटेज कार बन रहा है कि नहीं, क्योंकि बाहर की सीन तो हमने आपको मस्त दिखा दी है। और अंदर चलो देखते हैं भाई। तो आप देख रहे हैं भाई विंटेज कार बन रहा है, और इधर सब इंजन है, गाड़ियाँ हैं, सीटें हैं। अंदर तो यार काफ़ी विंटेज है भाई, एक हम दिखाएंगे आपको। ये आपके सामने है विंटेज कार, इसकी डिज़ाइन अलग है, और ये काफ़ी चौड़ा भी है। ये कौन सी कार पे फिट हो रही है भाई? ये सुजुकी की कार है भाई, ये बोलेरो नहीं है, मारुति सुजुकी की ये कार है। और ये देखो काफ़ी चौड़ा में ये विंटेज कार बन रहा है। ये डिग्गी देखो यार, काफ़ी बड़ा डिग्गी है, चौड़ाई ज़्यादा है ना, तो इसलिए डिग्गी भी काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है। और ये डिग्गी की भाई ढक्कन है, और काफ़ी शानदार लग रहा है, ये देखो मस्त लग रहा है यार। हमें लगा कि ये सेट हो रहा है भाई बोलेरो पे, लेकिन ये बोलेरो नहीं है, ये सुजुकी की कार है। फिलहाल इस पर जो विंटेज कार बनाया जा रहा है काफ़ी चौड़ा बनाया जा रहा है, और काफ़ी लंबा भी है, मस्त लग रहा है विंटेज कार। फिलहाल अभी सब अभी डेंटिंग हो रहा है, पेंटिंग बाकी, अभी काफ़ी इसमें कार्य बाकी है। इंजन भी आप देख सकते हैं यार, इसमें वायर ज़्यादा है ना, तो हमें लग रहा है इंजन को ना निकाले नहीं है भाई। बोलेरो में क्या है कि सिंपल है, इंजन को बाहर निकाल के फटाफट जो विंटेज कार बनाया जा रहा है फटाफट बना के सेट कर दिया जा रहा है, और इंजन भी फिट कर दिया जा रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं वायर काफ़ी है, तो इसको निकालना काफ़ी मुश्किल है, तो हमें लग रहा है ना इंजन नहीं निकाले, ऊपर से ही भाई लोग विंटेज कार बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और काफ़ी शानदार भी लग रहा है। इसके अंदर तो विंटेज कार काफ़ी बन रहा है, एक हमने दिखाया, और फिर हम आपको एक और विंटेज कार दिखाने वाले हैं जो शायद बोलेरो पे फिट है। हाँ ये बोलेरो पे फिट है भाई, क्योंकि इसका पहिया भी नहीं निकाला गया, और इंजन मस्त निकाल लिया गया है, और ये देखो काफ़ी मस्त है यार, शानदार है भाई साहब। इसकी भी डिज़ाइन कुछ अलग है, इसकी डिग्गी छोटी है। जो विंटेज कार सुजुकी पे फिट हो रहा है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ाई है, डिग्गी भी काफ़ी बड़ा है। और ये विंटेज आप देख सकते हैं भाई, इसकी डिग्गी छोटी है,
और ये काफ़ी पतला बनाया जा रहा है, ये देखो काफ़ी चौड़ा नहीं है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, लेकिन मस्त है भाई, छोटा है, बढ़िया है। और इधर से आप देख सकते हैं ये इसकी डिज़ाइन है भाई, दरवाज़ा भी मस्त बना दिया गया है। और ये डेंटिंग हमें लग रहा है हो गई है फिलहाल, डेंटिंग ना इससे पता लग रहा है, ये डेंटिंग हो गई है और आगे पता नहीं हुई है कि नहीं। हाँ ये हो गई है और ये पता नहीं हुआ है कि नहीं यार, अब हम कह नहीं सकते हैं भाई ये हुआ है कि नहीं, लेकिन पीछे का डेंटिंग हो गया है और इसमें अब इंजन फिट हो जाएगा तो मस्त हो जाएगा भाई। जो भी विंटेज कार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग है, और इसमें भी विंटेज कार काफ़ी है। ये क्या लेकर आ रहे हैं? गाड़ी लगाने के लिए। अच्छा ये देखो भाई, हम देखे ही नहीं है, ये देखो यहाँ की सिस्टम निकाल ली गई है और इसके अंदर जो इंजन है भाई वो अभी नहीं निकाला गया है। इसकी बॉडी है बोलेरो की, ये सब हटा दिया जाएगा तो बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा और बीच में ऐसे ही जोड़ा जाएगा। अभी तो मस्त दिख रहा है सिंपल सा बोलेरो, लेकिन हमें लग रहा है आज काट देंगे भाई लोग, फिर इस पे सीट करेंगे विंटेज कार। चलो अपनी विंटेज कार के पास चलते हैं और देखते हैं अपनी विंटेज कार में कितना काम हुआ है रात में। ये मेरा नहीं है, मेरा पहले विंटेज कार यहाँ था। ओ भाई यार मेरा विंटेज कार कहाँ चला गया भाई, ये देखो 1 2 3 4 एक वहाँ बन रहा है 5। यार मेरा विंटेज कार गाइस सबसे लास्ट में किए हैं भाई लोग, उसमें अस्तर लगाया गया, फिर उसके बाद से रेड पेंट लगाई गई, फिर उसके बाद से अब हाथ से घिसाई की जा रही है और देखते भाई कितने दिन में अब घिसाई हो जाती है अपनी विंटेज कार में। ये जो रोड के बगल में था विंटेज कार उसको भी अंदर कर लिया गया है और इसकी अब शायद जो भी कार्य है अब होगा। एक ये भी बन रहा है, ये विंटेज डीजे बन रहा है या विंटेज कार बन रहा है, शायद अंदाजा हम लगा पा रहे हैं कि ये विंटेज डीजे ही बन रहा है फिलहाल। ये आप देख सकते हैं भाई साहब कितना सारा विंटेज कार यहाँ आ गया और काफी मस्त लग रहा है यार। एक साथ इतने सारे विंटेज कार देख रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसके अंदर है, इसके अंदर है, बाहर है, फिर अभी यहाँ से काफी दूर पर और भी विंटेज कार रखा गया है। फिलहाल काफी शानदार लग रहा है यार, ये ऐसे विंटेज कार हम देख रहे हैं ना तो बहुत मस्त लग रहा है। गाइस रात काफ़ी हो गई है और अपनी विंटेज में फिलहाल काम हो रही है और कल आपको बहुत शानदार शानदार गाड़ियाँ दिखाने वाले हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को यही इन करते हैं। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।